कब से वेट कर रहे हैं खाने का। हाँ बीबी, और कितना टाइम लगेगा? जी भैया, इंतजार तो हमसे भी नहीं हो रहा। बिरयानी चीजें कैसी है? बिरयानी, वाह क्या बात है बीबी, तुम तो बहुत स्मार्ट हो गई हो। हमें क्या खाने का मन कर रहा है वो तुम्हें पहले ही पता चल जाता है। हाँ कुछ जी, हमने सुबह से तैयारी करके रखी। अरे बहुत जोर से भूख लगी है। कैलेंडर खाना दो, कैलेंडर खाना दो, दो नहीं कैलेंडर देखो आज दिन का है। STJF बेबे मतलब शुक्र है, शुक्रवार है। और तुम लोग भूल गए कि शुक्रवार को क्या होता है? क्या होता है शुक्रवार को? मूवी रिलीज होती है, वीकेंड शुरू होता है, काम से छुट्टी मिलती है और दम लगा के दम बिरयानी खाई जाती है। भैया बिरयानी तो तब खाओ जब आए, चेक करो ईटे का है। ईटेंगे तो तब ना जब बिरयानी तुम लेकर आओगी। हमने नहीं बनाई भैया बिरयानी। क्यों? काहे कि पिछले 3 शुक्रवार से तुम लोग बाहर से मंगवा रहे हैं। हम बनाए बापू का मतलब काओ है ना, हम इस्मार्ट। अरे अभी तो तुम बोल रही थी कि सुबह से बिरयानी की तैयारी कर रही हो। बनावे की नहीं भैया, खावे की। जब बिरयानी के चक्कर में सुबह से भूखे बैठे हम। हाँ और अब हमें भी भूखा मारो। अरे बेबी कम से कम पूछ तो लेती कि हम ऑर्डर कर रहे हैं या क्या प्लान है। जी हम जाकर को दस्तूर तो नहीं बदल सकते ना। लेकिन सारे फैसले तो तुम ले रही हो ना। लेकिन फैसला तुम्हें लेना है। तुम लोगों के लाने खिचड़ी बना के ले आए, बताओ ले आए? अभी ले आ रहे हैं हम, अभी बोलो हम ले आए, ले आए भाई। अरे रुको रुको, बिरयानी के सपने दिखाकर दाल चावल खिलाओगे। ऑर्डर ही कर लेते हैं, वो जोगेश्वर में नया रेस्टोरेंट खुला वहां से मंगा लो, जल्दी आ जाएगी। ठीक है जी। हमें लानी टिक्का बिरयानी मंगवा दो ना, वो हड्डी फंसा है दांत में कटा हुआ, डॉक्टर के पास जाने हैं। वेज बिरयानी मंगा लो, वो भी दांत में नहीं फंसती। पनीर भैया। There is no out until you become aware. You are not gonna get happier by consuming more. क्या कॉन्सेप्ट है मिनिमलिज्म? Seriously, थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है। मिनिमलिज्म means थोड़ा ही बहुत है। अच्छा? सर एक बार अपना कबर्ड खोलकर देखो, शायद तुम्हारे विचार बदल जाए। मतलब तुम्हारे पास ऑलरेडी 10 हैंडबैग्स हैं और 11th ऑन द वे है। उस डॉक्यूमेंट्री में ना नया खरीदने के लिए कुछ नहीं बोला था, पुराने सामान को डिक्लेयर करने के बारे में बोला था। सो जस्ट डोंट। अरे तो नया भी तो एक दिन पुराना होगा और फिर एक और नया आ जाएगा पुराना होने के लिए। दिस विशियस सर्कल जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। मीरा हमें नए और पुराने के बीच में एक दीवार खड़ी करनी होगी, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाहिए ही ना। ये क्या है? बाहर के कपड़े। तो अंदर कबर्ड में रखो ना, जब बाहर जाओगी तब पहनना। अरे अभी ये कपड़े घर से बाहर जाएंगे। लेकिन क्यों? Because I'm not like you. अब मैंने क्या किया? कुछ कर नहीं रहे हो, यही तो प्रॉब्लम है। क्या हुआ उस मिशन मिनिमलिज्म का? इंस्पिरेशन लो डॉक्यूमेंट्री से, मुझसे। See, I believe in actions, not just words. अंदर रूम में जाकर देखो। टीवी? मेरा कबर्ड। जरा जाकर देखो कितनी स्पेस हो गई है। और जब ये कपड़े घर से बाहर जाएंगे ना, that's when I'll get more clothes, peace of mind. और फिर ये कपड़े किसी और के काम आएंगे। peace of mind plus charity equals clarity. मुझे ऐसा लगता है कि हमें सोसाइटी में एक कैंपेन शुरू करना चाहिए, #, जो काम का नहीं वो किस काम का। वाह क्या काम की बात कही है। है ना। इसलिए तुम बाकी सारे काम छोड़ो और सबसे पहले वो काम करो। Yes, you're right. मैं अपना कबर्ड अभी declutter करता हूँ। Please, baby. हाँ जी, ये कपड़े ले जाना। स्त्री के लाने? हाँ, अगर तुम्हें कोई स्त्री मिल जाती है तो उसे दे देना, या फिर अगर तुम्हें अच्छे लगते हैं तो तुम ले जाओ। हाँ जी, हम हिंदुस्तानी स्त्री हैं, हम ऐसे कपड़े नहीं पहना। मतलब मैं तो युगांडा से आई हूँ, है ना? जी, तुम गुजराती में कछु भी नहीं बोलो। हमें गांडा का मतलब मालूम है, तुम हमें पागल कह रहे हो। युगांडा नहीं बेबी, मी गांडा। तुम बस इतना करो कि ये कपड़े घर में नहीं दिखने चाहिए। अच्छा जी, घर में? हम एक काम करते हैं, जाए घर में कहते हैं छुपा देते हैं। बेबी ये कपड़े इस घर से बाहर जाएंगे, जो करना है करो, I don't care। ले जाओ थे। ये लो बेबी, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, सालों से यूज नहीं हुई। जी, पूरा घर खाली कर दो का? खाली नहीं बेबी, साफ। अब ये देखो ना, ये 2 ड्रॉअर साफ किए हैं और इतना अच्छा लग रहा है मुझे, तो बाकी के साफ करूंगी तो कितना अच्छा लगेगा। जी, तुम रसोई साफ करवे के चक्कर में पूरी रसोई साफ नहीं कर दी हो। वो देखो कितनी जगह हो गई है। जगह बना के करोगी का?
जोन वजह से तुमने जगह बनाई होती वो बल्ले को तो तुम बेवजह निकाल नहीं खाली जगह पर का रखो। औरा कौन सा बोरा? औरा बेबी औरा, अच्छी एनर्जी, कम में ज्यादा का मजा। हमें तुझे सजा लग रही जीजी। इनफैक्ट ये लो ये डिनर सेट भी ले जाओ, इसकी भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। चिंता मत करो ले जाओ। चिंता तो हमें तुम लोगों की हो रही जीजी, तुम लोग का दोनों पत्तल में खे हो। अरे बेबी वो नया डिनर सेट है ना उसे निकाल लेंगे, वो काफी है हमारे लिए। और मेहमान आ गए तो? हाँ तो हम तो सिर्फ दो ही लोग हैं ना, वो 6 प्लेट्स का सेट है। और 4 से ज्यादा आ गए तो क्या करूं? हाँ तो मैं 4 लोगों से ज्यादा बुलाऊंगी नहीं। अच्छा है ना, मेहमानों में भी मिनिमलिज्म, कम लोगों में मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस, वरना घर में भी शोर, घर के बाहर भी शोर। एंड आई डोंट नीड दिस एनीमोर, तुम ले जाओ इसे। जिजी आई आल्सो नीड नॉट एनीमोर, हम बता रहे जिजी तुम्हें देने के लेने पड़ गए हैं। लेने के देने होता है बीवी। हाँ लेकिन जे सब दे दूंगी तो लेना ही पड़े ना। क्या कर रहे हो? इस भार को घर के बाहर कर रहा हूं मैं। इसे भार कहने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा? मीरा आजकल हमें लाइफ में जो हेवीनेस फील हो रही है ना उसका आधे से ज्यादा वेट तो इसमें, जरा उठाकर देखो कितना भारी है ये। अभी हमने बहुत ही मेहनत से एक एक डीवीडी को चुनकर इस कलेक्शन को बनाया है। Moreover, this is not just a collection, it's a reflection of our memories. ये reflection नहीं, deflection है। अच्छा एक बात बताओ, last time कब हमने इन DVDs को use किया था? Minimalism का मतलब है जिस चीज़ को ना करो use, उसे करो reduce. Yeah, but memories का क्या? मीरा, तुम खामखा memory माया के जाल में फंस रही हो। Memory माया? देखो, ये है माया, और तुम इसमें memories ढूंढ रही हो। जबकि memories तो दिल और दिमाग में होती हैं, आँखों के सामने नहीं। जब ये इस घर से बाहर जाएंगी ना तब मेमोरीज बनेंगी। कि तुम्हें याद है कि हमारे पास कितना माइंड ब्लोइंग डीवीडीज का कलेक्शन हुआ करता था? अरे वाह, ये तो कुछ कुछ होता है कि सीडी है भैया। जिज्जी कितनी अच्छी फिल्म आती ना, जे फिल्म हमने जेपी के साथ सिनेमा हॉल में देखी थी, खूब मजा आता। सी कुछ कुछ होता है कि डीवीडी देखकर बेबी की भी मेमोरीज ताजा हो गई, ऐसा ही होता है। क्या होता है? कुछ कुछ होता है भैया, तुम नहीं समझोगे। अच्छा बेबी एक बात बताओ, तुमने तो DDLJ भी देखी होगी। हाँ भैया, बा फिल्म के तो हमें सारे सीन भी याद है। 1 महीना तक ना वो फिल्म देखने के बाद जेपी हमसे कहता रहो तो पलट्स पलट्स पलट्स। देखा ऐसा भी होता है, सिर्फ फिल्म का नाम लेने से भी मेमोरीज ट्रिगर हो जाती हैं। ऑल राइट, लेकिन मैं ये फ्रेंड्स का कलेक्शन किसी को नहीं दे रही, इतना बोझ में मैनेज कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। अच्छा ठीक है बाबा। बेबी ये जो नीचे वाला डब्बा है ना इसको छोड़कर बाकी सारी DVDs अपने घर ले जाओ, इसमें बहुत सारी शाहरुख खान की मूवीज हैं, उन्हें देखो एंजॉय करो और यादें ताजा। जहाँ में तो अंग्रेजी फिल्में भी हुए ना भैया। हाँ हाँ बिल्कुल, मन करे तो वो भी देख लेना। हाँ हाँ भैया, ऐसी गंदी हरकतें हम नहीं करते, अंग्रेजी फिल्में में ना बेशर्मी की हरकतें होते हैं। तुम्हें कैसे पता, तुमने देखी है? देखा तो हमने, नरक भी नहीं है भैया, लेकिन हमें मालूम है कि उतने पापियों का पकौड़ा तलो जात, हमें ऐसे डीप फ्राई नहीं होने। अच्छा ठीक है बेबी, अब हमारा भेजा फ्राई मत करो, इनमें से जो DVDs चाहिए तुम रख लो, बाकी की दे दो। हाँ जी जी। मीरा सैटरडे को मेरी शर्ट आने वाली थी, अभी तक आई नहीं, जरा चेक करो ना ऐप पर, इज इट डिलेड? डिलेड नहीं, कैंसिल। अरे ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं? अरे उन्होंने कैंसिल नहीं किया है, कैंसिल मैंने किया है। अब से हम इनकमिंग को बंद करके आउटगोइंग पे ज्यादा फोकस करेंगे। पर इस इनकमिंग के सामने मेरा आउटगोइंग रेडी है ना, उस दिन हम मार्केट गए थे तो मेरी ब्लू शर्ट जो की लगने की वजह से फट गई थी। या उसे मैंने रफू करवा दिया है, डोंट वरी। मीरा मैं मीटिंग में रफू की शर्ट पहनकर जाऊंगा तो लोग क्या मजबूर हो जाएंगे कि एक इतना सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो इतना स्मार्ट है, जो इतना इंटेलिजेंट है, अगर वो भी एक रफू की हुई शर्ट पहन सकता है तो आई मीन जस्ट इमेजिन, इसने वाओ, शो देम द पावर ऑफ रिपेयर, रिन्यू एंड रीयूज। 4 में से 2 लोग भी इंस्पायर हुए ना तो वो 2 लोग और 2 लोगों को इंस्पायर करेंगे, और फिर धीरे धीरे चेन रिएक्शन की तरह दुनिया का 50% पॉपुलेशन तुम्हें फॉलो करने लगेगा, और तुम अपने इस रफू चक्कर की वजह से यू विल बी एट द टॉप ऑफ द पिरामिड। ये पिरामिड कहाँ से बीच में आ गया? आया नहीं है, तुम्हें बनाना पड़ेगा। लाइक मल्टी लेवल मार्केटिंग, मेरी शर्ट पुरानी है तो क्या हुआ, मेरे आइडियाज तो नए हैं। या दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग।
सोच रहे भैया? यही कि कुछ कमी सी लग रही है। अब सारो घर खाली होगा तो कमी तो लगे ना। इसी बात की तो कमी लग रही है कि अब क्या कम करूं। भैया जब पंखा में 3 ब्लेड लगे, 2 हटा दो, हवा तो 1 से भी आए। और तुम्हें कान के फुंदड़ू भैया, जहां में से 1 सी आवाज आउत है, 1 हटा दो। वेरी फनी बेबी, थैंक्स बट नो थैंक्स। यू आर वेलकम भैया। बीबी तुमने मेरा स्टीम आयन देखा? हाँ जीजी। कहाँ है वो? तो म्यूनिसिपैलिटी के ट्रक वालों ले गए। क्या? भैया ने हमसे कही थी कि अभी अभी जहाँ से हटा दो, तो हमने हटा दी। अरे यार अभी मुझसे पूछ तो लेते कम से कम। अरे इसमें पूछने की क्या बात है, मैंने तो तुम्हें आज तक नहीं देखा स्टीम आयन यूज करते हुए, तो इट हैड टू गो। अरे मतलब मैं रोज यूज नहीं करती हूँ, पर कभी कभी तो करती हूँ ना। यही बात तो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही। क्या? कि जॉन चीज की जरूरत अभी नहीं ना, जरूरी नहीं है कि कभी ना हो, और कभी जरूरत हो गई तभी का करो। क्या बोल रही हो बेबी? कम के चक्कर में तुम लोगों ने अति कर दी, और अति इंसान की सबसे बड़ी गलती होता है। थोड़ा ही बहुत है करत करत, देखो बहुत थोड़ा रहेगा। मतलब हमने मिनिमलिज्म का मैक्सिमलिज्म कर दिया। आई थिंक सो। पता है आज जब मैं किचन में गई ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ओवर एक्साइटमेंट में ना मैंने आधे से ज्यादा किचन खाली कर दिया, और मैंने बाकी का घर। हम क्या कर सकते हैं अब? जिन्हें सामान दिया है उनसे वापस तो नहीं ले सकते हैं, फिर से खरीदेंगे और क्या। कहो जीजी, पड़ गए ना देने के लेने। We took it too far this time. अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भैया टेंशन नॉट, हम तो बिजू का बन के तुम्हारे खेत की रखवाली कर लाई। मतलब? मतलब जी 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 कि हम स्मार्ट नहीं ओवर स्मार्ट हैं। तुम्हारा सामान हमने कौनों को नहीं दो, छुपा के रख दो। तो क्या सच बेबी? जिंदगी का मजा ना कम में है ना ज्यादा में, बीच में है। थैंक यू सो मच बेबी, तुमने हमें बीच में रोक दिया, वरना हम तो पूरा घर ही खाली कर देते। अब जाकर फाइनली हमारी आंखें खुली हैं। बेबी हमारे पास तो सिर्फ साइट है, असली विजन तो तुम्हारे पास है। यू आर अ विजनरी। मुगैम्बो खुश हुआ, बताओ इनाम में तुम्हें क्या चाहिए। भैया तुमने इतने कचु खाली कर दो, नेक्स्ट जेब भी खाली कर दो, हमारा मन खुश हो जाए। भैया जिज्जी, भैया जिज्जी, जिज्जी भैया। Hi guys! We hope कि आज का एपिसोड मैक्सिमम लोगों को पसंद आया होगा, और आज का कॉन्टेस्ट क्वेश्चन ये है कि घर से कितनी चीजों को बाहर निकाला गया। And one lucky winner will win SIT merchandise. And guys, please, ये जो मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे एपिसोड पर यूज मत कीजिएगा। हमारे एपिसोड के लिए मैक्सिमलिज्म का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। मैक्सिमम लाइक्स, मैक्सिमम कमेंट्स, मैक्सिमम शेयर्स एंड मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन, और हमारे को जल्दी से 2 मिलियन के पास पहुंचा दीजिए। आपने बिल्कुल हमें उस कगार पे खड़ा कर दिया है जहां पर हम बिल्कुल तड़प रहे हैं, हमें वो किनारा पार करवा दीजिए। प्लीज प्लीज, वी विल सी यू गाइस वेरी सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Love and peace भी बोल दो यार। Love and peace। इतनी वो रंगी। ऐसे ही होता है बॉस, अपना काम ही ऐसा है बॉस।